हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिना, हर्बल हिना से आपको हेयर कलर करना बताऊंगी। ये देखिए, मैंने हर्बल हिना लिया है। आप कोई सा भी हर्बल हिना ले लीजिए, मेहंदी ले लीजिए, और उसे एक लोहे के बर्तन में आपकी जितनी बड़ी लेंथ है बालों की, उसी अनुसार से आप मेहंदी ले लीजिए। अब मैंने एक चम्मच आंवला पाउडर और एक चम्मच चाय पत्ती लिया है, उसे एक गिलास पानी में उबाल दी रही हूँ। जब ये आधा गिलास रह जाएगा तो मैं इसे बंद कर दूँगी गैस। अब इसी पानी को अच्छे से छन्नी की मदद से छान लूँगी और पानी को अलग कर लूँगी। अब इसे मैं मेहंदी में मिलाऊँगी, क्योंकि चाय पत्ती हमारे बालों में अलग कलर देता है और आंवला हमारे बालों को काला करता है। तो मैं इसी पानी से मेहंदी को अच्छे से पेस्ट बनाऊंगी। बना करके रात में इसे रख देना है, क्योंकि अगर आप लोहे के बर्तन में नहीं बनाएंगे, अगर दूसरे बर्तन में बनाएंगे तो आपकी मेहंदी का कलर ऑरेंज में आएगा। इसलिए आप लोहे के बर्तन में बनाएं, ताकि आपका मेहंदी का कलर डार्क ब्राउन आपके बालों में चढ़ेगा, नहीं तो ब्लैकनेस पे आएगा आपका मेहंदी का कलर। बहुत अच्छा शाइनिंग आता है। अब मैं 1.5 चम्मच मेथी दाना ली हूँ 1 कप में, उसमें आप पानी डाल दीजिए। अब इसमें मैं 5-6 लौंग मिलाऊंगी और कलौंजी मिलाऊंगी। इन सब को रात भर भिगो करके रख दीजिए। मेहंदी का पेस्ट आप चाय पत्ती और आंवले के पानी से मिक्स करके रख, उसे भी रात भर छोड़ना है। अब मैं सुबह उठ करके इस पेस्ट को पीसूंगी। इसमें मैंने एलोवेरा जेल मिला दिया है। एलोवेरा जेल हमारे बालों में कंडीशनर का काम करता है, बालों में शाइनिंग लाता है, तो इसलिए मैं एलोवेरा जेल मिला रही हूँ। और कलौंजी हमारे बालों को मजबूत करता है और बाल काले घने रखते हैं। और मेथी हमारे बालों के लिए जितने भी डैंड्रफ है, रूखापन है, सबको मेथी दूर करता है और एक अलग सा मजबूती लाता है। लौंग से बालों में एक कलर आता है, क्योंकि आप मेहंदी लगाते हैं तो लौंग का तेल डालते हैं ना, उसी तरह से आपको बालों के लिए। अब मैंने ये पेस्ट को पीस करके और उसी मेहंदी में जो मैंने रात में भिगो कर रखी थी, उसी में मैं मिला दे रही हूँ। इसमें पानी आप बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना, बस इतना आप पेस्ट ऐसा तैयार करें जो आपको बालों में अच्छे से अप्लाई हो जाए। अब बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए, शैम्पू करने के बाद अच्छे से सुखा कर तभी आप मेहंदी वाला पेस्ट लगाएं, और अच्छे से आप ग्लव्स पहन के जैसे तेल लगाते हैं वैसे पूरे बालों में अप्लाई करें और 3 घंटे के लिए छोड़ दें। और आप ये मेहंदी का जो पेस्ट है, आप महीने में 1 बार ज़रूर लगाएं। इससे आपके बालों में भी ग्रोथ होगा और बालों में शाइनिंग आएगा, आपको कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, मैंने पूरे बालों में लगा लिया। ये देखिए दोस्तों, मैंने बालों को धो लिया है 3 घंटे बाद, और देखिए मेरे बाल का कलर कितना सुंदर आया है। ये देखिए कितना सुंदर आया है, बहुत ज़्यादा ऑरेंज भी नहीं आया है और बहुत ज़्यादा ब्लैक भी नहीं हुआ है। ये देखिए आपके सामने मेरे बालों का कलर कितना सुंदर है। आप मेहंदी लगाने के बाद नॉर्मल पानी से धोइएगा, शैम्पू नहीं करिएगा। दूसरे रात को तेल अच्छे से लगा के उसके बाद आप दूसरे दिन शैम्पू कीजिएगा। इससे बालों में बहुत अच्छा कलर पकड़ता है और बाल बहुत सुंदर लगते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल में, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।